वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हर इंसान के आसपास कुछ तरह की ऊर्जाएं घूमती हैं, कुछ वाइब्रेशंस, कुछ ऐसी एनर्जीज घूमती हैं जो नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी। इंसान ये सोचे कि मेरे आसपास बस पॉजिटिव एनर्जीज है वो नामुमकिन है। इंसान ये सोचे मेरे आसपास बस नेगेटिव एनर्जीज है ये भी नामुमकिन है। हर तरह की एनर्जीज या ऊर्जाएं आपके आसपास मंडराती रहती हैं। आपके आसपास इस वक्त किस तरह की ऊर्जाएं मंडरा रही हैं? आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। और हमको इनसे डरना नहीं है। कहते हैं जो तकलीफ होती है ना लाइफ में उससे इंसान थोड़ा बर्दाश्त करने की जो हद है ना उसे समझ जाता है, उसकी बर्दाश्त की जो हद है वो बढ़ जाती है। तो आपको इस तरह से घबराना नहीं ये देख के कि अगर ऊर्जाएं नेगेटिव हैं तो मैं क्या करूं, ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। हर इंसान के साथ ये होता है, ये सिर्फ आप ही नहीं है, हर इंसान के साथ ये होता है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बता दिया कि ये मत सोचो कि सिर्फ नेगेटिव है या सिर्फ पॉजिटिव, पर देखना ये है कि जो है वो कैसी है, क्या है। मेरे काफी व्यूअर्स एंग्जाइटी में है इस वक्त, एंग्जाइटी में कहूंगी, डिप्रेशन नहीं पर एंग्जाइटी, आगे क्या होगा, कैसे करूं। आप थोड़े हाइपर से हैं, आपकी जो स्थिति है ना इस वक्त आप थोड़े से ज्यादा हाइपर रहते हैं, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली कुछ एनर्जीज फील होती है अपने आसपास, ऐसी ऊर्जाएं फील होती हैं जिसको आप शायद डिकोड नहीं कर पाते, और मैं आज आपके लिए उन्हें डिकोड करूंगी किस तरह की ऊर्जाएं हैं आपके आसपास। कुछ लोग आपके आसपास हैं जो खुद तो कुछ कमा धमा नहीं पा रहे, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, लेकिन उनकी नजर आप लोगों के पैसे पे रहती है। जितना भी आपके पास है, पैसा होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत करोड़ोपति हो, ये जरूरी नहीं, एक आम से भी इंसान है लेकिन आपके पास कुछ तो है, उस पर इनकी नजर रहती है, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर पाते, अपने लिए कोई किसी भी तरह से कमाई नहीं कर पाते, तो इनका ध्यान कॉन्स्टेंटली आपके पैसे पर रहता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी ऐसी नेगेटिव वाइब्स आपकी तरफ भेजते हैं कि आप बीमार हो जाए, आपको कुछ ऐसा हो जाए कि आप सारा कुछ उन्हें दे दें, या उन्हें अपने कामों में, अपने पैसों के मामलों में इन्वॉल्व कर लें, ऐसी वाइब्रेशंस आपकी तरफ वो भेजते रहते हैं। और कई बार ऐसा हो भी जाता है कि आपका दिल करता है आप इनसे मदद लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सिक्स सेंस आपको कहती है, आपकी इंट्यूशन आपको ये कहती है ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, आपको उस इंसान के फॉल्ट्स पता है। फ्रेंड्स, जब मैं कार्ड पे उंगली रखती हूँ उसका मतलब यही आता है जो मैं कह रही हूँ, आपको उसके फॉल्ट पता है, आपको मालूम है उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, और आप चाह के भी उसकी मदद नहीं लेते, जबकि वो पूरी कोशिश करते हैं, ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी तरफ इस तरह की वाइब्रेशंस भेजते हैं कि आप उनको अपने मामलों में इन्वॉल्व करें, लेकिन आप लकी हैं कि आपको कहीं ना कहीं सिक्स सेंस आपको स्टॉप कर देती है उन्हें नहीं इन्वॉल्व करना। कुछ लोगों को ये लोग वो भी हो सकते हैं जिनको आपकी प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम है, उनको हत्या नहीं है, तो कुछ ये भी हो सकते हैं कि जिनको आपकी जहानत पर, आपकी अकलमंदी पर, आपकी कैपेबिलिटीज पर इतनी उसकी वजह से जेलसी होती है, तो ये आपको कॉन्स्टेंटली आपकी एनर्जी को सक करते हैं, आपको ऐसे वाइब्रेशंस भेजते हैं कि आप डाउन फील करें। आप कई बार सोचते हैं ना आपने कोई नेगेटिव बात को सोचा है, ना कोई नेगेटिव चीज को महसूस किया है, फिर भी आपकी एनर्जी डाउन होती है, क्योंकि ये लोग आपकी जहानत से, इंटेलिजेंस से, कैपेबिलिटी से इतना चलते हैं कि आपको तरह तरह से स्ट्रेस देते हैं, कभी डायरेक्टली, कभी पैसिवली, कभी इनडायरेक्टली। तो आपको इस तरह से ये आपके बोलते ना एक जहन पे इस तरह से छाने की कोशिश करते हैं कि आप डाउन फील करें। इनके आसपास आपकी भी एनर्जीज हैवी हो जाती हैं, आपको अच्छा नहीं लगता इनके साथ,
लेकिन कई बार इनएविटेबल होता है कि आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है। तो ऐसे में आपको फिर भी एक चीज मैं कहूंगी, इतना सब होने के बावजूद भी आपका सेकेंड चक्र, आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है, खुद के साथ आपकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा बहुत आप इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ा बहुत आप घबरा जाते हैं कई बार, और आप लोगों की जो एक एस कपल, एक फैमिली की जो यूनिटी है, एक फैमिली की जो यूनिटी है, ये दो कार्ड्स प्रोटेक्टेड, ये कपल है, ये प्रोटेक्टेड है, तो आपका जो एंथुजियाज्म है एक दूसरे के साथ एज ए कपल, एज फैमिली मेंबर्स, इससे भी कई लोगों को बहुत जेलसी होती है जो आपके आसपास है, और आप फील करते हैं ऐसे वाइब्रेशंस कभी कभी क्रिएट होते हैं कि आप दोनों में एज कपल, चाहे आप प्यार में है, चाहे आपका स्पाउस है, कुछ आपने उसको कहा नहीं, उसने आपको कुछ कहा नहीं है, पर आप दोनों के बीच में अजीब सा एक तनाव आप महसूस करते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसी वाइब्रेशंस आपकी तरफ भेजते हैं कि जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशंस में किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। कई बार आपने सोचा होगा ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा आपने कुछ किया नहीं आपस में, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे से डिस्टेंस फील होता है एज अ कपल। तो इन लोगों की जो वाइब्रेशंस है, ऊर्जाएं हैं जो ये भेजते हैं आपकी तरफ, ये उसका असर होता है। तो जिस तरह की नेगेटिविटी के बीच में आज भी आप खड़े हैं, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इसका मतलब आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। डिवोशन जहां भी, हीलर ऑफ एजेस, वर्ल्ड कार्ड, सेकेंड चक्र, सीयर ऑफ ट्रुथ, ये जो आपके ह्यूमिलिटी, ग्रेविटी, आपने जिस तरह से ऊपर वाले को याद किया है, उसके प्रति शुक्रगुजार रहे हैं, जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आपने फील किया है अपने एंसेस्टर्स के लिए, जो अच्छे काम आपने लोगों के लिए किए हैं, कभी ना कभी किसी के काम आए हैं, उन सब की इतनी स्ट्रांग ब्लेसिंग्स होती है आपके साथ। कई बार आप समझ नहीं पाते कि इतना सब होने पर भी, ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं आपके आसपास होने पर भी आप खड़े हैं, आप जी रहे हैं, वो भी अच्छी तरह से, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, इसका मतलब आप पे इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स है अपने एंसेस्टर्स की। आप जहां भी आपको इंजरी होती है इमोशनल, वहां आप हील हो जाते हैं। जहां आप थोड़ा नेगेटिव होते हैं, थोड़े टाइम के बाद आप पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जीज आपके आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना के रखती है कि आप पर इन चीजों का ज्यादा असर नहीं होने देती। तो आपके आसपास हर तरह की एनर्जीज ग्रेविटेट करती है, ग्रेविटी हर तरह की एनर्जीज होती है। तो आपके केस में मैं कहूंगी नेगेटिव एनर्जीज है तो सही, लेकिन आपकी किसी अच्छी डीड ने, आपके किसी अच्छे कर्म ने, आपके एक ग्रेटिट्यूड जो नेचर है, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड का जो नेचर है, उसकी वजह से आप प्रोटेक्टेड हैं, और इस नेचर को कभी मत छोड़ना। कभी भी कितनी भी लाइफ में तकलीफें आए ना, ऊपर वाले से थैंक यू बोलना कभी नहीं छोड़ना, और आप देखेंगे ये जो नेगेटिविटी का जो दबाव है ना, ये खत्म तो होना इम्पॉसिबल है किसी की भी लाइफ में, पर इसको मैनेज करना आपको जरूर आ जाता है, इसको कंट्रोल करना आपको जरूर आ जाता है। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी भी सेफ है, आपकी फैमिली लाइफ भी सेफ है, क्योंकि आप पर डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा रहती हैं, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स कभी आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। आइए देखते हैं इन कार्ड्स में से और कुछ क्या डिटेल्स निकल कर आती हैं आपके लिए। दे लाइक द वे यू ईट, आप जैसे खाते हैं किसी को वो चीज बहुत पसंद है। आप भूलकर भी इनसे कोई कॉन्टेक्ट मत करना, इनकी हालत ठीक नहीं। किसी पर्सन के लिए मैसेज है कि आपको इस पर्सन से अभी कॉन्टेक्ट करना सही नहीं रहेगा। दे वॉन्ट यू टू क्राई, कोई चाहता है आप बहुत रोए बिलखे, क्योंकि वो आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तो अभी रीडिंग में हमने देखा है। हो सकता है आप थोड़ा बहुत रो भी लेते हैं, आपका दिल थोड़ा टूट भी जाता है, परेशानी भी होती है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा बहुत जल्दी उसमें से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है। 5:13 संडे एरीज लियो, आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, या उस पर्सन की जो आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन वेरी गुड ऑफर इज कमिंग, आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा ऑफर आने वाला है। ये जितने भी नेगेटिविटीज हैं आपके आसपास, उसके बावजूद बहुत कुछ अच्छा भी होगा आपकी लाइफ में, और बहुत अच्छा कोई ऑफर आने वाला है। नवंबर सितंबर आपकी लाइफ के बहुत, इस साल के और आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स रहेंगे।
कोई बहुत अच्छी ऑफर या गुड न्यूज आपके लिए आने वाली है। दे फाइंड यू वेरी सेक्सी, कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपको बहुत सेक्सी मानते हैं। एरीज स्पाइसेस लिब्रा आपकी साइन हो सकते हैं या इस पर्सन की, जिसकी नजर में आप बहुत ही सेक्सी हैं। वो आपको धमकी भी दे सकते हैं, कोई पर्सन है जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरह की धमकी देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके ऊपर एक नेगेटिविटी और एक ऐसी ऊर्जा आपके आसपास क्रिएट हो जिससे आप डरे। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ईंट का जवाब आपको पत्थर से देना है। वो धमकी देगा, आप उसके ऊपर ही धमक जाना, उसको उससे डरने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। जेलस कॉलीग, आपके आसपास कोई कॉलीग है जो आपसे जेलस है। अब अगर आप जॉब नहीं करते तो ये आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत जेलस है और आपकी तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं, ऊर्जा भेजते हैं। 8/16/39 सितंबर आपकी लाइफ के या इसकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपका कोई पुराना सपना पूरा होने वाला है, बहुत टाइम से आप किसी ड्रीम को सच होता देखना चाहते हैं और वो सपना आपका शायद नवंबर अभी जो आया था थोड़ी देर पहले, हो सकता है इन मंथ्स में आपको ऐसी कोई ऑफर आ जाए और आपका जो कोई सपना है वो जल्दी ही पूरा होगा। जब इंसान इतनी नेगेटिविटी बर्दाश्त करता है हिम्मत से और ऊपर वाले का साथ नहीं छोड़ता, उस पर दोष नहीं डालता, तो ऊपर वाला उसके लिए कोई ना कोई रास्ता आसान करता ही है और आपके लिए ऐसा रास्ता मिलने वाला है। Someone is going giving all your news to them. आपके आसपास कोई पर्सन है जो आपके बारे में हर इंफॉर्मेशन आपसे जलने वालों को देते हैं, ताकि वो आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करे, लेकिन इससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जेलस करना चाहते हैं ड्यू टू इनसिक्योरिटी, कोई आपके आसपास है जो आपको जेलसी आपके दिल में क्रिएट करना चाहते हैं। कई बार आपकी स्पाउस ऐसा करते होंगे या आपके कोई फैमिली मेंबर ऐसा करते होंगे, आपके अंदर अपने लिए जेलसी क्रिएट करते हैं क्योंकि वो आपको अपने से दूर नहीं देखना चाहते, तो इसमें कोई ऐसी नुकसान वाली कोई बात नहीं है। बी केयरफुल, कोई नुकसान ना पहुंचा दे आपको, कोई चाहता है आपको इमोशनल नुकसान पहुंचाए, इस तरह का नुकसान पहुंचाए कि आपके ऊपर भारी एनर्जी रहे, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है, वो चाह के भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स जबरदस्त है, या आपने बहुत बार देखा है, समझा है, जाना है। आपने उनके ईगो को ठिकाने लगा दिया है, कोई पर्सन है आपके आसपास जो बहुत ही ज्यादा आप पे हावी होने की कोशिश कर रहे थे, शायद आप समझ गए कि ये आपके ऊपर ऐसी नेगेटिविटी सेंड करते हैं और आपने उनको ये चीज समझा दी है अपने तरीके से और आपने उनके ईगो को, उनकी असलियत को ठिकाने लगा दिया है। बहुत अच्छा आपने ये किया है। लॉट्स ऑफ फाइट बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से कुछ लोगों में बहुत लड़ाइयां चल रही हैं, वो वजह क्या हो सकती है तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि रीडिंग में जैसा आया है उस हिसाब से आपको समझ आएगा। कुछ लोग हैं जो आपको लेकर फाइट कर रहे हैं, हो सकता है जो आपके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज का साया है, ये उस एनर्जीज में आपको लेकर फाइट हो रही है, क्योंकि जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है वो एनर्जीज आपकी नेगेटिव एनर्जीज पर हावी होना चाहती है। बहुत ही सही ये आया है मैसेज आपके लिए। डोंट लूज फेथ इन गॉड एट एनी कॉस्ट, मैंने अभी अभी आपको रीडिंग में भी बताया, कुछ भी हो जाए, वैसे आप ऐसा करते तो नहीं, इंसान है, कभी कभी हो जाता है कि आप उससे शिकायत करते हैं, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, ऊपर वाले से, लेकिन फिर भी अपना जो फेथ है वो उसमें कभी खत्म नहीं करना, अपना खुदा नहीं बदलना, अपना भगवान आपको नहीं बदलना, ये मैसेज आपके लिए आया है, क्योंकि आप जिसे मानते हैं वही आपके लिए आसानियां पैदा भी करेंगे बहुत जल्द। उनको आपको मिलने वाले प्यार से जलन होती है, जो आपके स्पाउस आपको प्यार करते हैं या आपके लव पार्टनर आपको प्यार करते हैं, पर चूंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स आपको प्यार करते हैं, उससे इस पर्सन को बहुत जलन होती है, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा रहती है। अपनी थॉट्स पर थोड़ा रोक लगाओ, कभी कभी ऐसे माहौल में इंसान की जो थॉट प्रोसेसेस है वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है, तो आपके लिए मैसेज है, आप अपने थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल में लाइए, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराहट को अपने ऊपर हावी मत होने दें।
देर इज सम प्लानिंग गोइंग ऑन इन देयर माइंड अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कोई ना कोई प्लानिंग ये करते रहते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ही किसी से कम नहीं है, इतना तो मैं जरूर जानती हूँ। वेरी लॉयल सिस्टर, आपकी कोई बहन है या कोई दोस्त है या बहन जैसा कोई है जो आपके प्रति बहुत ही वफादारी रखते हैं, लॉयल्टी रखते हैं, तो ये आप पे कोई भी नेगेटिविटी को आने से रोकने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए कि आपके आसपास इतना प्यार करने वाले लोग हों। आपके पूर्वज आपके दुश्मनों को कभी माफ नहीं करेंगे, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके जो पूर्वज हैं वही आपकी सारी टेंशन्स को अपने सर पर लेने के लिए तैयार है, वो आपके दुश्मनों को कभी भी माफ नहीं करने वाले हैं, ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। Someone is upset because of you. If possible, say sorry. कोई आपसे नाराज है क्योंकि उसे लगता है आपने उसका दिल दुखाया। अगर आपको लगता है आपने सही बात के लिए उन्हें कुछ कहा है तो फिर ठीक है, अगर आपको लगता है आपने थोड़ी ज्यादती कर दी है तो आपको उनको जरूर सॉरी कहना चाहिए। ट्यूजडे 32 थर्सडे आपकी लाइफ के या इस पर्सन की लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वन फोर टू एट थर्टीन सिक्सटीन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स ट्यूजडे सैटरडे स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन, ये जो लोग आपकी तरफ या तो नेगेटिविटी भेजते हैं या पॉजिटिविटी, ये उनके लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस है। अब आपको ये देखना है और समझना है कौन हो सकते हैं जो आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजते हैं। यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है ही, मैंने आपको पहले ही कह दिया, आप इतना कुछ होने के बावजूद अगर आज ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने लिए डिसीजंस ले रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत ही हिम्मत वाले और ताकतवर ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हैं। फ्रेंड्स, यहाँ रीडिंग होती है कंप्लीट और आज का एफर्मेशन मैं कहूंगी यही रहेगा, ये बहुत ब्यूटीफुल लास्ट मैसेज जो आपके लिए आया है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ। यहाँ आई क्लेम दिस एनर्जी या रीडिंग, यहाँ छोटा सा यस, और आप देखेंगे कितना जबरदस्त प्रोटेक्शन शील्ड आपके आसपास रेडी हो जाएगा। एफर्मेशंस लिखना बहुत अच्छा रहता है, अगर आपको ज्यादा नहीं लिखा जाता तो बस आप एक यस लिखकर भी छोड़ दें, तभी भी ये उतना ही असरदार रहेगा। फ्रेंड्स, कमेंट्स में जरूर मेंशन करना किस बात से लोग आपसे जेलस हैं, आपके आसपास के लोग कैसी वाइब्रेशंस आपको फील होती है, कैसी ऊर्जाएं आपको फील होती है, और आप इससे बचने के लिए, ऐसी ऊर्जाओं से लड़ने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। अगर आप शॉर्ट में लिख सके तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मथुरा। बाय बाय।